गाइस आपको एक कुत्ते से मिलवाती हूँ मैं, देखिए ये रहा गाइस, ये रहा कुत्ता। फलक मत जा में ठंड में, तो यहाँ पकड़ा जल्दी भी लाग जाए। मेरा जो वजन खाता तो लिट्टी फिर है, पता कम हो रहा पानी। इतना भी कौन सी है मन कम, जितना वजन है मन कौन सी है, बगाड़ो सिंगुर से पत्ते ली कम मरिया कौन सी है। कुत्ता कटा गए हो गई फाइटिंग भाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भावना सिंह भाटिया, का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो यहाँ मम्मी है जो अपनी छोटी बीनी से बात कर रही है क्योंकि आज उनका है बर्थडे। पानी तो मिल जैसे पूरा घर बिखरा हुआ है, लेकिन फिर भी मम्मी ने बहुत साफ करके रखे पेड़ पौधों को, बहुत क्लीन कर दिया था एक बार में। मम्मी बोले पहले बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, ऐसे जी ऐसे हो गया था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी खैर अभी अंदर का काम होगा, अंदर स्टोर भी बन रहा है ताकि ये पूरा जो एक्स्ट्रा सामान है वो पीछे स्टोर में चला जाए। तो अभी चल रहा है काम, किचन भी हॉल में ही रख रखी है। तो अभी मैं नहाने जाने जा रही हूँ, जा रही हूँ तो मन रोला कर रही है। एक तो पाला आदमी नहा है क्या, तो मैं नहा ली हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल तैयार हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। मोबाइल में देख के तैयार होने पड़ रहे। तू हंसता रही जिंदगी है। मुझे इन्हें रोशनी आ गई। देखो गाइस ये मेरी मम्मी है, मम्मी ने बोलो ही पालो लगे हैं, साल हो रहा क्यों है, पर पालो है बोलो। तो चलिए पूजा करने चलते हैं, चलो कहानी सुन जावा, इतनी देर घर रहोगा, दूसरी बार शांति बनाए रखोगा। ए बाब मंदिर आ रही, मंदिर आ रही, शांति है मंदिर। अच्छा गलत आ गई, हाँ ना गलत आ, हाँ सही, तो भाई तो दर्दर ही सी पूजा की सही है। संख वंख मंडे है, और भी मंडे हाँ ठीक है। तो पूछा के सब मैं हो गई हूँ तैयार, और अभी हम जा रहे हैं कहानी सुनने के लिए बड़ी मम्मी के घर पे, हमेशा वही सुनते हैं। चल लोटो लेना है, तो हमेशा वही सुनते हैं, जब बीन ने आ जाएंगे पहली बार तब हमारे घर पे सुनेंगे हम। चलो ये मेरा घर, ये दया सिंह बड़ी मम्मी का घर। गेट बंद कर दो, तो ये हमारा लोटा पानी का। तो आप में से काफी लोगों को तो पता है तिल कुट का जो व्रत है, चौथ का व्रत है, वो आया है। साल में दो बड़ी चौथ आती है, एक करवा चौथ और दूसरी ये तिल कुट वाली, जो मैं दो ही करती हूँ। और आज है तिल चौथ का व्रत, तो बस मम्मी और बड़ी मम्मी के साथ में यहाँ कहानी सुनूंगी, फिर कहानी सुनने के बाद आपसे मिलूंगी। आज मंगलवार भी अभी अभी मैं तो कौन है, कोई नहीं, राम राम भाई। हाँ बाबा का माता जी तीन चार बंदर देखी कहानी सुने तो सुन ले सी, आज का कोई दिखी आयो न बारला पासे जोड़ो घर में सारा बापड़ा भाजिया भाई जुआई में बधाई लिया बधाई लिया भाई। माँ मेरी माँ मेरा सवामन को तिल कुटो बोलियो, अर मेरी माँ करियो को नी सवा शेर गोई वर्त खोलियो रसिया बसिया। ये चौथ माता जिसो बिन ने टूटियो नी विशो सारी शक्ल नहीं टूटी, पुन भी मैं फोड़ा गालिया बिता की मैं ना गाली
बीबियां सरजी उन तो सारा नहीं करी अच्छी तरह जोत। सो अब हमने कहानी सुन ली है, सूर्य को रख दे रहे हैं, अभी मम्मी और बड़ी मम्मी दे रहे हैं, उसके बाद में मैं दूंगी। तो यहाँ फिर पानी में सूरज को देखने की कोशिश करते हैं। देख ले बेटा सूरज, देख ले पानी। सो यहाँ मम्मी है जो बड़े पापा को धोख दे के पैसे वैसे देते हैं, वो देने जाएंगे, लेकिन वो जैसे अंदर घुसते हैं ना तो रोज अचानक से अंदर जाते हैं तो वो दिखता नहीं है ना, अंधेरा सा रहता है, तो उस वजह से मम्मी मामू से आए हुए थे उनको देने लग गई थी गलती से। पिसा लो पिसा, पापा पर ना है, मम्मी कंफ्यूज होगी। फिर आऊ मैं। सो कहानी हमने सुन ली है और हम जा रहे हैं घर पे। ओ रे मैं भूल गई, वो तो नीतू है, दम दनी सी पै थी क्यों। सो कहानी हमने सुन ली है, हम लोग जा रहे हैं घर पे, चाय पिए आराम से, गेट बंद करते हैं। कांच, मेरे कांच, चश्मे का कांच निकल गया, कस चश्मे का कांच निकल गो। सो अब मैं पी रही हूँ अपनी चाय। सावा देसी बट्टी बनाई दी है, गर्म पानी करवा था नहीं, इसमें बहुत देर तक पानी रहा है, तो ये सब अच्छी तरह धो लिया मैं, थोड़ा गर्म पानी डाल दें। सो अभी चल रहा है घर का काम, तभी उस रूम में इतना ऐस व्यस्त पड़ा हुआ है, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको। और अभी सामान सब घर का सामान इधर उधर पड़ा है, क्यों आगे के जो रूम्स हैं उनमें पड़ा है, ये पूरा मकान पीछे की साइड में बनाया है, और ये जब अच्छे से प्रॉपर रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। अभी नहीं होगा, जब वापस शादी में आऊंगी तब तक ही ये रेडी हो पाएगा, तो अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। बस उसके बाद मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करिए, ज़्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है, और बस नॉर्मल सा ही किया है, नॉर्मल झाड़ू लगाई एक बार। सो यहाँ पे अभी सीढ़ी लगी नहीं है, तो ये लकड़ी की सीढ़ी रख रखी है ऊपर जाने के लिए, एक बार चढ़ दूं तो डर आके कैसा डिजाइन। अभी छत का काम भी पेंडिंग है, पर ये सही है, बड़ी सारी छत हो गई। वो भी स्टोर रूम बन रहा है, लेकिन आज उसकी जो मिस्त्री है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो नहीं आया उसका मिस्त्री। तो ये इधर गैलरी है, तो ये है बाहर का। तो अभी आपको पता है कि बहुत बिखरा हुआ पड़ा, जब पूरा कलर वलर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी। मुझे पहले कपड़े संभालने पड़ेंगे इस खतरनाक सीढ़ी से उतरने के लिए, चढ़ने में डर नहीं लगता जितना उतरने में लग रहा है। ये भगवान में गिर नहीं जाओ, ओ मम्मा तो वो बाथरूम में क्या टाइल लगा रहे हैं, जो पूछ रहे कि क्या कैसे लगाएं, लग रही मतलब निकली हुई है, तो धूप ले रहे हैं चाय पी के, फिर मम्मी का सदूक खोलना है। ऐसे तो अभी पूरा सामान निकाल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा बीच में अभी नहीं कर सकते, तो मुझे कुछ सूट निकालने हैं जिनके ऊपर ओढ़निया या क्या है कैसे है किस हिसाब से, अभी कितने सूट क्या कुछ लेके आना है, तो उसी हिसाब से क्योंकि शादी की प्रिपरेशन भी तो करनी ज़रूरी है, तो उस हिसाब से सूट देखूंगी। क्योंकि मम्मी का एक येलो कलर का सूट है तो सही मम्मी के पास में, अगर वो है तो उस पर सिर्फ यार एक टॉप की ओढ़नी लेके आऊँगी, और अगर नहीं सेट हुआ तो फिर कोई दूसरा सूट देखूंगी। बाकी मम्मी के सारे सूट मैंने आपको बताया था कि वैसे भी हो चुके हैं सारे कम्प्लीट, मतलब
उनके सारे हो गए, चले जाऊं क्योंकि बाकी कुछ काम हो नहीं रहा, इतनी ठंड है और काम पूरा बिखरा हुआ है, थोड़ा मार्केट का काम है तो वहां पे भी जाऊंगी पहले। कल अभी सूट निकाल लेती हूँ मम्मी के, क्या है कैसे फिर यहाँ। तो शादी के लिए भाई को वेलवेट की गद्दियाँ बनवानी है बैठने के लिए, तो उस पर ही कुछ कोटे का वगैरह वर्क करवाना है। तो मैं बहुत टाइम से मशीन ऐसी पड़ी थी तो उसको निकाल के सही किया क्योंकि ये बहुत टाइम से यूज़ में नहीं आई है। उसके बाद मैं गई हूँ मार्केट कुछ कोटा वगैरह लाने के लिए उसके। तो मैंने ये वाला लिया है उसके वो बाउंड्री बनाने के लिए, वो बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला भी काम में आ जाए। वो कहाँ रुपये मीटर बताए? तो मुझे गद्दी बनाने के लिए, कवर बनाने के लिए उसके जो जो सामान चाहिए था, गोटे का चिपकाने के लिए, वो सब मुझे मिल गया था। उसके बाद मैं घर आके मैंने साइज चेक किया है और बस ऐसे रख के देखा है कि ऐसा सही लगेगा क्या। साइज की गद्दी, इसी क्या गोटा भी है, ये किरण अच्छी लगेगी क्या? किरण में को किरण से बेटर मुझे ये लग रही है। तो किरण के बजाय मैं ये वाला लगाना पसंद करूँगी क्योंकि ये एक तो क्या है, ये ख़राब नहीं होगा, मतलब आगे भी हम यूज़ में ले सकते हैं। और किरण का ऐसे रहता है, किरण का ऐसे रहता है कि किरण एक टाइम के बाद ही ख़राब हो जाएगी। ये वाले फूल हैं तो ये काम करूंगी मैं कल। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ऐड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूल ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं ये काम अभी समेट लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि फिर ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और ये तब तक मैं अपना सिर टेढ़ा है। तो अभी मम्मी ठीक। सो ब्लॉग का एंड तो मैंने बहुत देर पहले ही कर दिया था लेकिन अभी चांद आ गया तो मैंने सोचा इसका भी थोड़ा सा शॉट ले लेते हैं। तो बस चांद देख लिया, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, खाना खाऊंगी और फिर देखते हैं कल नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर, बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो मैं हूँ मम्मी के यहाँ तो एक वीडियो कॉल तो बनता ही है, तो मैं करती हूँ उनसे वीडियो कॉल और आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, पता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना